कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नगर सेवक और पदाधिकारियों के साथ में कि मीरा भाईंदर की पानी की समस्याओं का निवारण करें, संबंधित अधिकारियों से बात करके अन्यथा हमारी बैठक लगाएं। और ये प्रश्न नहीं छूटा तो जैसे हमने पिछले साल आंदोलन किया था वैसे रास्ते पे उतरेंगे। सर पानी का परमानेंट सोल्यूशन कब? ऐसा है कि 218 एमएलडी की पानी की योजना ये वैसे 22 में पूरी होनी थी लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हुई, फॉलो बराबर नहीं रहा या जो भी कारण रहा, पैसे की अड़चन रही होगी। लेकिन अभी हमने माननीय उप मुख्यमंत्री से कहा था कि आप इस बारे में बैठक लगाए क्योंकि लास्ट उन्होंने वादा किया था इस मई महीने में योजना पूरी करेंगे, पानी देंगे। अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नवंबर तक पूरा करेंगे। अगर नवंबर तक भी कुछ काम में बीच में कठिनाई आई तो ये वापस फिर मार्च पे जाएगा, इसलिए नवंबर में किसी तरह से पूरी हो इस तरह की चेतावनी दी है। और मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरी ताकत से लगे कि आपको जल्द से जल्द 24 घंटे पानी दें। और ये वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, खाली सर समय का देर है लेकिन प्रशासन से भी कहूंगा कि आपको भी इसके अंदर थोड़ा इंटरवेंशन करके काम फटाफट करना चाहिए। इस शहर में सनटेक नाग की एक कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो एक्चुअल जगह थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजर्वेशन, इस शहर वासियों की जनता थी, जनता का जगह थी लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने एकोमोडेशन रिजर्वेशन में 40% बांध के लो बाकी में बिल्डिंग बनाए, इस तरह का प्रस्ताव हमारे बॉडी नहीं होते हुए उन्होंने बिल्डर हित में किया। अब उसके लिए हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सनटेक वाले ने अपना काम चालू किया, फ्लैट बेचना शुरू किया और महानगर पालिका का हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं, जबकि नियम ये कहता है कि पहला कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल बाद में तुम्हारा, इधर खुद का काम माल बेचना चालू किया, कल अगर ये बिल्डर भाग जाएंगे गायब हो जाएंगे तो हमारे शहर वासियों का क्या, हमारे ऊपर फिर एक अन्याय होगा। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसके पास अभी तक शायद एनवायरमेंट नहीं है और वो इस तरह से नहीं कर सकती। हमने पूछा हॉस्पिटल काम शुरू क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट शायद उनके पास अभी तक आया नहीं है, इसलिए तो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आया तो उन्होंने ये काम क्यों चालू किया। और अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं तो फ्लैट कैसे बेच सकते? मैं फिर कहता हूँ फ्लैट बेचने से मुझे दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत ये कि इसी तरह से फ्लैट बेच के निकल जाएगी जनता गुमराहगी। कमिश्नर ने एक बात और कही कि अगर वो अगर 2-3 दिन में नहीं सुनता तो उसको मैं स्टॉप कर दूंगा कि भाई इस तरह से नहीं कर सकता है, महापालिका काम कर नहीं रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के हक का हॉस्पिटल हमें अगर नहीं मिला तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके खिलाफ में हम है, हम किसी बिल्डर डेवलपर विकासक के खिलाफ तो नहीं है। मैं एक बार नहीं 4 बार बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे शहर का अगर कोई खाने की कोशिश करेगा, अगर हमारा हॉस्पिटल कोई दबाने की कोशिश करेगा तो फिर हम रास्ते पे।